हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिकुल्स का रासायनिक विश्लेषण, है ना। इस चैप्टर में ये स्टार्टिंग में पोर्शन है जो हम आज देखेंगे, और इसके अंदर कैसे हम किसी भी ऊतक के अंदर या किसी भी सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर बायोमोलिकुल्स का एनालिसिस कैसे करते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी होती है कि किसी भी बायोमोलिकुल्स जो होते हैं जीव अणु, वो कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोशिका में जीवाणु कहाँ मिलते हैं, तो सर आप क्या बोलोगे? आप तो बच्चों आप क्या बोलोगे कि सर उसकी उसके कोशिका द्रव्य में। हाँ कि हाँ सर, उसकी कोशिका द्रव्य में बिल्कुल सर, कहाँ मिलेगा, कोशिका द्रव्य में मिलेगा बिल्कुल। अगर एक कोशिका है ना, तो उसके जितना भी कोशिका द्रव्य है, यही तो जितना भी बायोमोलिकुल्स, हम बोलेंगे कि उसके जीवाणु मिलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल मिलेंगे। बायोमोलिकुल्स कहाँ मिलेंगे सर, कोशिका के अंदर, जितना उसका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मिलेगा। तो अगर ये बात करें तो हमें क्या करना है कि हमें इनको एनालिसिस करना है। अगर हम इनको एनालिसिस करेंगे तो हमको सबसे पहले इसको रप्चर करना पड़ेगा, सेल को तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में समझेंगे कि ये होते कैसे हैं, है ना। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई क्या होते हैं ये। तो अगर हम बात करें एक कोशिका द्रव्य में रसायन के रूप में, क्या क्या रसायन हम ऐसे लिखते हैं, रसायन दो टाइप से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे सर, कि सर कैसे मिलेंगे, कि सर ऐसे मिलेंगे। क्या मिलेगा, एक कार्बनिक पदार्थ मिलेगा और मिलेंगे अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, है ना, कि कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे और एक मिलेंगे अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के बारे में बता देता हूँ, जल, लवण, आयंस, है ना, ये सब होंगे अकार्बनिक पदार्थ। इतना आप केमिस्ट्री में पता होगा। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से मिलेंगे, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला मिलती है, कार्बन व हाइड्रोजन की श्रृंखला मिलती है ना। क्या मिलेंगे, कार्बन व हाइड्रोजन की श्रृंखला मिलेगी। तो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं इसका, सर मैं अगर बात करूं अपने कोर्स के हिसाब से या अपने एनसीईआरटी के हिसाब से, तो चलो मैं उनका नाम लिखता हूं कौन कौन से। सर प्रोटीन 10 से 15%, मैंने प्रतिशत तक भी याद कर लेना, है ना। नंबर दो न्यूक्लियोटाइड, सॉरी माफ करना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। नंबर तीन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, है ना। नंबर चार लिपिड, ये मिलते हैं आपके 5 से 7%, ये मिलते हैं 3%, ये मिलते हैं 2%, एनसीईआरटी में लिख रखा है। ठीक है, ये होते हैं आपके रसायन। अब हम करना है इनका एनालिसिस, लेकिन हम कैसे करते हैं, ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है कि ये पहले मैंने एनालिसिस करके बता दिया है कि हाँ ये इनको हमको करना है। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल करते हैं तो हम जिस चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पहले पता होती है कि हाँ हम डीएनए की आइसोलेशन करेंगे, या हम प्रोटीन का आइसोलेशन करेंगे, या हम किसी भी चीज़ का जब आइसोलेट यानी उसको निकालते हैं और उसके लिए हम जो भी प्रोसेस करते हैं, तो हमें पहले पता होता है ना कि हमें ये करना है और हम किसके लिए कर रहे हैं। तो हम इनके लिए कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि सर आप रसायन तो बता रहे हो, लेकिन कौन से वाले रसायन बता रहे हो। ठीक है, तो मैं ये रसायन बताऊंगा, ये कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ, ये होंगे प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे फटाफट, है ना। जैसे क्या होगा, प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस छोटी सी है, पूरी कोई कोटिंग की बात नहीं, आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है, हम वैसा वैसे देख लेते हैं ना। चलो, तो सबसे पहले हम अगर किसी भी जीवित ऊतक को लेते हैं, जीवित ऊतक, अब बोलोगे सर जीवित ऊतक क्या, कि सर जीवित ऊतक की अगर हम बात करें, अच्छा एक मिनट, जीवित ऊतक की अगर हम बात करें, जीवित ऊतक क्या हो सकता है, कि सर किसी बॉडी का पार्ट्स हो सकता है, यही होगा ना। जीवित ऊतक अगर मान लो किसी की बॉडी से क्या लीवर निकाल लिया, तो एक जीवित ऊतक अभी के लिए वो जीवित है ना। यानी किसी लीफ, यानी हम पत्ती को ले लेते हैं, सब्जी को ले लेते हैं, तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जीवित ऊतक यानी कि तो यकृत ले रखा है और है लीफ यानी सब्जी दे रखी है, तो हम यकृत ले लेते हैं, सब्जी दोनों लिख देते हैं ना। मान लो मैंने यकृत का टुकड़ा या सब्जी का टुकड़ा, सब्जी का टुकड़ा ले लिया। अब इसको लेने के बाद इनको क्या करेंगे, इनके अंदर कोशिका होगी कि हाँ ये ऊतक है ना। मान लो एक टिश्यू है, इसके अंदर छोटी छोटी कोशिका होगी, बहुत सारी, हजारों लाखों की संख्या में कोशिका होगी। अब कोशिका के ऊपर या तो सब्जी होगी तो सेल वाल होगी, नहीं यकृत होगा तो यानी किसी जीव का होगा, जीव मतलब यानी किसी एनिमल्स का होगा, तो क्या होगा, झिल्ली होगी। तो इस कोशिका को यानी इस
उत्तक के टुकड़े को, बोलेंगे ऐसे उत्तक के टुकड़े को मुझे क्या करना है, रप्चर करना है, तोड़ना है ताकि अंदर से क्या आ जाए, साइटोप्लाज्म आ जाए, बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक खरल और मूसल जिसको बोलते हैं, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं पिस्टल, मोर्टार पिस्टल। और अगर हम इसे और हिंदी भाषा में, और इसको सामान्य रूप से जाने, तो क्या होता है, अगर हम बात करें उत्तक के टुकड़े की, तो हमने हमने क्या किया, एक मोर्टार और पिस्टल ले लिया है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन सा मोर्टार, क्या लिया, एक मोर्टार या पिस्टल ले लिया हमने, या क्या मोर्टार या पिस्टल ले लिया, पिस्टल ले लिया। इसको क्या किया मैंने, इस उत्तक को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है कि हाँ सर, ये उत्तक हमने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर बहुत सारी कोशिका है ना, ये उत्तक हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैंने क्या किया, ऊपर से इसको ऐसे पेस्ट बना दिया, इसका क्या बना दिया सर, पेस्ट बना दिया, इसको तोड़ दिया, और इसके अंदर साथ साथ मैंने एसिड भी डाला। ये एसिड लिख लेना, कौन सा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ये लिख लेना फटाफट कि हाँ कौन से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, तो इसको मैंने पिस्टल से मतलब पीसा अच्छे से, पीसने के बाद क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि देखो कोशिका होगी जो रप्चर होने स्टार्ट हो जाएगी। ये जो करता है, चलो इसका कार्य बता देता हूँ, कार्य क्या काम करेगा कि सर इसका कार्य होगा, मान लो अगर सेल मेम्ब्रेन है, या इसे सेल वॉल मान लेते हैं ना, सेल वॉल कोशिका भित्ति हो या सेल मेम्ब्रेन होगी, तो इनको क्या करेगा, वो रप्चर करेगा ताकि आसानी से क्या हो जाए, हम आसानी से साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल सके, सेल मेम्ब्रेन तोड़ने में आसानी करेगा, तो तोड़ने में आसानी करेगा, ठीक है, तोड़ने में आसानी करेगा, जनरली हम इतना समझने के लिए बोल रहे हैं। अब चलो इसने हमने तोड़ लिया, साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया, तो चलो यहाँ बनाता हूँ। साइटोप्लाज्म अगर बाहर आ गया है, तो चलो क्या क्या आया है, चलो इधर देखना है ना, ये मैंने इसको, ये जो क्या बना है, अब ये जो पेस्ट बना है, कर्दम, इसे बोलेंगे पेस्ट, ये कर्दम बना है, क्या बना है, कर्दम। इस कर्दम, इस पेस्ट को मैंने क्या किया, इस सर आपने क्या किया होगा, सर मैंने इसको छान लिया, ये कर्दम होगा मेरे पास, हाँ ये कर्दम हो गया, कर्दम कर्दम या पेस्ट कर देते हैं, समझ में, हाँ पेस्ट है। अब मैंने इसको फनल लगा के नीचे छान लिया, छान लिया, कपड़ा लगा दिया यहाँ पर मैंने, छान लिया। अब छानने के बाद यहाँ क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर सर, अगर मैंने किसी, आपने चाय की चाय पी होगी, तो चाय छानते हैं तो ऐसा तो नहीं पत्ती भी नीचे आ जाती है, नहीं चाय आती है ना, या तो दूध जो हम बनाते हैं दूध शक्कर, उसमें मिठास आती है, उसका कलर आता है, और उसका दूध का जो पानी है वो सब नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नीचे आएगा, किसी तो H2O आ जाएगा, एक एसिड आ जाएगा, और इसके अलावा क्या क्या आएगा, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ हिंट देता हूँ, एक तो आयन्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, आयन, और एक लवण आ जाएंगे, यानी कार्बनिक पदार्थ आ जाएगा, सॉरी माफ करना, अकार्बनिक पदार्थ आ जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ जल, अकार्बनिक पदार्थ घुलनशील, घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ घुलनशील होकर होकर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सर, फिल्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें होगी, इसको क्या कहूँगा कि सर जो चीज़ फिल्टर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट, निषेंद, निषेंद क्या बोलते हैं, निषेंद, ठीक है, और फिल्ट्रेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, तो निषेंद क्या बोलते हैं, ये है निषेंद, निषेंद, ठीक है, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, ये क्या है, फिल्ट्रेट है, और जो ऊपर रहता है वो होता है धारित, क्या होता है, धारित,
धारित यानी धारण कर लिया, मतलब किसी चीज को ऊपर रख दिया है, नीचे नहीं उतारा है, वहीं रखा हुआ है, धार उसको धारण कर लिया है ना ये। और नीचे क्या होता है, फिल्टर यानी निस्सेंद हो गया, यानी फिल्टर हो गया। क्या किया, H2 आ गया, एसिड में कुछ आयन लवण आ जाते हैं, अगर बने घुलनशील, नीचे घुलनशील होकर नीचे आ जाएगा। अब कौन नहीं घुला, अब ऐसा नहीं बोल सकते कार्बनिक पदार्थ नहीं घुला, घुला है, लेकिन उसका एक कंसेप्ट है वही समझना है जरूरी है। ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, कि आयन जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ में अंदर घुलनशील होकर नीचे आ जाते हैं। घुलनशील कहाँ मिलते हैं, कि सर निषेध होकर फिल्टर्ड मिल जाते हैं, इन अम्ल में घुलनशील, ऐसा बोलेंगे अम्ल में घुलनशील, क्योंकि अम्ल ही नीचे आया है, अम्ल आया H2 आया, तो हम बोलेंगे अधिकतर क्या यूज किया था, अम्ल किया था, ठीक है। तो ऐसा बोले सर अम्ल में घुलनशील, घुलनशील पदार्थ आयंस लवण, आयन और लवण दिख रहा होगा ना आपको, H2 एसिड आयन कुछ लवण थे, अकार्बनिक पदार्थ घुलनशील होकर नीचे आ जाएंगे, अम्ल में घुलनशील पदार्थ कौन से हैं, आयन और लवण, मैंने चीज को नीचे सार बना के लिख दिया है ना। चलो आगे चलते हैं, अब बात आती है, ये तो हटा दिया, मैं हटा देता हूँ, मैं अकार्बनिक पदार्थ काम हो गया, अब कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, इसमें कंसेप्ट, ये चीज समझना होगा आपको ना, मैं इसको वापस बनाऊंगा समझने के लिए। देखो यहाँ जो हमने क्या बनाया था, ये हमने क्या बनाया कि सर ये आपने ऊपर क्या कुछ धारित, ये ऊपर क्या धारित था, नीचे फिल्ट्रेट था, निषेयन था। अब बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की, कार्बनिक पदार्थ को मैंने पहले बताया नहीं तुमको, अब मैं बताता हूँ कार्बनिक पदार्थ कैसे मिलता है। कार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ कैसे मिलता है, एक मिलते हैं लघु और एक मिलता है वृहद, लघु और मिलता है वृहद के रूप में, क्या मिलते हैं लघु और वृहद के रूप में, क्या मिलते हैं लघु और वृहद के रूप में, ओके। अब यहां मैं लघु लिखूंगा, वहां मैं वृहद लिखूंगा, लेकिन एक चीज को छोड़ूंगा, उसको मैं साइड में लिख के आपको एक कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। चलो लघु और या वृहद, लघु में कौन से आएंगे, चलो प्रोटीन की बात करते हैं, वृहद क्या है, सब प्रोटीन वृहद है, प्रोटीन अगर वृहद है मतलब बड़ा अणु है, लार्ज है, तो उसकी यूनिट क्या होती है सर, अमीनो एसिड, क्या होती है अमीनो एसिड, बिल्कुल सर अमीनो एसिड होती है, पता है हमको, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, क्या न्यूक्लिक एसिड, वृहद अणु है, न्यूक्लिक एसिड, तो इसका छोटा है लघु क्या होगा सर, न्यूक्लियोटाइड होगा, सिंपल सी बात है, तो हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, कार्बोहाइड्रेट की, तो पॉलीसेकेराइड लिखते हैं, पॉली सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो क्या बनेगा सर, मोनोसेकेराइड से, मोनो सेकेराइड, ठीक है, इसका ये इससे और ये इससे। अब एक चीज यहां बताता हूं, यहां पर कौन सा, अब कौन बताना चाहता हूँ सर, मैं बताना चाहता हूँ लिपिड के बारे में, लिपिड कैसे बनता है, जनरली लिपिड कैसे बनता है, कि सर लिपिड जो बनता है वो बनता है फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर क्या बनता है, लिपिड बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर क्या बनता है, लिपिड बनता है। एक फैटी एसिड होगा तो मोनोग्लिसराइड, दो होंगे तो डाइग्लिसराइड और तीन होंगे ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड फैटी एसिड के ऊपर हम निर्भर करते हैं, ठीक है, लिपिड बनता है। अब लिपिड क्या बनता है, दो से तीन यूनिट अगर है तो जनरली ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये है लाखों यूनिट मिलकर, लाखों यूनिट मिलकर प्रोटीन बनाता है, लाखों न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है, लाखों मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाता है, पर तीन से चार, तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनता है, एक लिपिड का अणु बनाता है। तो लिपिड को हम लार्ज अमाउंट का तो नहीं बोल सकते ना, मॉलिक्यूल्स तो बहुत बड़ा है नहीं, क्या बोलेंगे सर, स्मॉल ही है, लघु ही है, ये बिल्कुल सर दोनों लघु है, खत्म, लघु है। तो हमने बात कर ली, एक होते हैं लार्ज अमाउंट वाले मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं स्मॉल अमाउंट वाले मॉलिक्यूल्स, यानी एक लार्ज यानी वृहद जो बड़े होते हैं, और एक होते हैं छोटे जो लघु होते हैं, लघु में कौन आ गया, लिपिड आ गया, और जो बड़े होते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आ चुके हैं। लेकिन अब हम बात करनी है सर, अभी तो हमने एनालिसिस कंप्लीट किया नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं है ना उनको, मतलब हमने उनको कंप्लीट
एक रूप से सेपरेट नहीं किया है, अब हम करेंगे उनको सेपरेट। तो मैंने जो हमने हम जो फिल्टर मैंने जो किया है, यानी बोर्ड पे जो फिल्टर मैंने हम बताया था कि कैसे कैसे फिल्टर किया है, वो फिल्टर होने के बाद यानी जो फिल्टर हुआ क्या है कि सर एसिड हुआ है, एसिडिक एसिड यानी जो ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड जो फिल्टर हुआ था, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड जो फिल्टर हुआ है, फिल्टर ना फिल्टर जो फिल्टर हुआ है, उस फिल्टर के अंदर अगर मैं सेपरेट करूं तो उसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है, मैं बोलूंगा एक कार्बनिक पदार्थ मिला है और एक अकार्बनिक पदार्थ मिला है। अकार्बनिक पदार्थ मिले हैं, कार्बनिक पदार्थ में मुझे मिले हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में आप न्यूक्लिक एसिड नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो बृहद अणु है, वो लार्ज अमाउंट है, वो फिल्टर नहीं हुए हैं। ठीक है, हमने फिल्टर करके देखा है, हमने फिल्टर करके देखा है, तो कौन कौन फिल्टर नहीं हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ, कौन कौन फिल्टर नहीं हुए हैं या ऊपर कौन कौन रह गए हैं वो मैंने बताया है ना। तो मैंने बताया जो स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल यूनिट होगी वही क्या होती है, फिल्टर होती है, वो छोटी इकाई होती है वही फिल्टर हो पाती है, क्योंकि कोई चीज़ बड़ी होती है तो वो फिल्टर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो क्या क्या प्राप्त होगा वो मैं बता रहा हूँ, यानी क्या क्या फिल्टर हुआ है ना। तो क्या क्या फिल्टर हुआ है कि सर कार्बनिक पदार्थ में आप बोलोगे कि अमीनो एसिड हुए हैं, अमीनो एसिड हुए हैं, कार्बन यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अकार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले बात करते हैं, ऑर्गेनिक में अमीनो एसिड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड होते हैं और मोनोसेकेराइड होते हैं। बुक्स में ऐसे नहीं लिख रखा है, सेपरेट करके अलग अलग दे दिया है कि कार्बनिक में क्या होता है, अकार्बनिक में क्या होता है, तो हम थोड़ा सेपरेट करके पढ़ रहे हैं। लिपिड मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं बताता हूँ लिपिड क्यों फिल्टर नहीं हुआ, उससे पहले आप अकार्बनिक के बारे में जानिए। अकार्बनिक पदार्थ में एक तो H2 होता ही है, बिल्कुल जल तो हो गया होगा, कुछ होते हैं आयन्स, आयन्स में कौन से मैं लिख देता हूँ, सोडियम आयन्स, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये जो आयन्स होते हैं ये फिल्टर होते हैं। ये लिखा हुआ है आपकी बुक्स में कि फिल्टर जो होते हैं वो आयन्स होते हैं कार्बनिक पदार्थ के अंदर, और होते हैं फॉस्फेट, हाँ, और सल्फेट SO4-2, ये कुछ होते हैं, और हाँ जनरली ये लिखे हुए हैं, और हाँ लवण भी होते हैं, सॉरी NaCl कम, NaCl CaCO3। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये आयन, ये सब उन्होंने बोला है कि कुछ तत्व है ना, यहाँ तत्व बोल दिया है और यहाँ पर बोला है यौगिक, कुछ यौगिक बोला है, तो हम भी ऐसे लिख देते हैं कि ये यौगिक होते हैं। ठीक है, ये यौगिक मिलते हैं, ये तो यौगिक है, लेकिन हम अगर उन्हें अच्छे से पढ़े तो ये आयन्स ही होते हैं ना, हमारे बॉडी के आयन्स ही मिलते हैं ये वाले, तो आयन के रूप में दिखे तो ये वाले होते हैं, और हम अगर किताब की भाषा से पढ़े तो तत्व होते हैं। ठीक है, ये हमें मिले हैं, और ये हमारे पास अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोसेकेराइड कहाँ पर मिले हैं कि सर फिल्टर हुए। अब मैंने फिल्टर लिख दिया तो हर चीज़ बनाने, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं कि हाँ सर फिल्टर हुए हैं। अब लिपिड क्यों फिल्टर नहीं हुआ है सर, ये बात सबके दिमाग में आएगी। हाँ सर, ये लिपिड जब हम सेल मेम्ब्रेन को तोड़ रहे हैं तो लिपिड तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि लिपिड के बाई लेयर जो होती है, हाँ कि हाँ मैं बोलूँ, हाँ बेटा होती भी होती है। तो सर अगर आपने एक सेल को तोड़ा है, अगर आपने सेल तोड़ा है तो सेल मेम्ब्रेन भी तो रेप्चर हुई होगी, सेल मेम्ब्रेन टूटी, बिल्कुल सर। अब सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो तो लिपिड की बनी होती है सर, हाँ सर, इस प्रकार से बाइलेयर होती है ना, इस प्रकार से बाइलेयर होती है। हाँ सर, इस प्रकार से बाइलेयर होती है। तो सर ये टूटी होगी, तो सर ये भी तो हमने बोला, आपने बोला, मतलब हमने बोला कि ये तो स्मॉल यूनिट है, क्यों? अब देखो एक चीज बता देता हूँ, स्मॉल यूनिट कैसे बोला है ना, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, लार्ज या एक मिनट ऐसा लिख लो कि जो जिनका भार, लिखो जिनका भार, मुझे पहले बताना चाहिए लेकिन सॉरी मैं बाद में बता रहा हूँ, जिनका भार क्या होता है 800 डाल्टन से कम होता है, उनको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट बोलेंगे ना, स्मॉल यूनिट या स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, या और जिनका भार क्या होता है 1000 डाल्टन से 10000 डाल्टन तक हो से ऊपर होता है ना, डाल्टन से ऊपर होता है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इनको अगर हम स्मॉल यूनिट बोलते हैं उनको लार्ज
यूनिट बोलता हूँ या लार्ज मोलिकुल्स बोल दो, चलो मोलिकुल्स लिख देते हैं, मोलिकुल्स बोलेंगे, है ना। तो जो लिपिड होते हैं उनका क्या होता है, एक तो पहली बात उनको याद रखना है वो 800 डाल्टन से कम होता है उनका आणविक भार, अणु भार, सर अणु भार, अणु भार, कौन सा भार, अणु भार, उनका अणु भार। ठीक है, अणुभार कितना होता है कि इतना इससे कम होगा तो ये क्या होगी, एक प्रकार से स्मॉल यूनिट होगी, यानी छोटी लघु ऐसा बोल सकते हैं। और जिनका 10,000 या 1,000 से ज़्यादा होता है उनको क्या बोलते हैं, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज यूनिट। अब मैंने बोला कि सर आपने अगर लिपिड को तोड़ा होगा तो लिपिड तो निकला होगा, तो लिपिड छना क्यों नहीं, छना क्यों नहीं, ये बात बोलो ना, वो आपने बोल दिया चलो ठीक है कि ये तो स्मॉल यूनिट है, आपने बोल दिया कि ये तो स्मॉल यूनिट है तो छना क्यों नहीं। देखो छना क्यों नहीं, यह क्वेश्चन बनता है कि सर फिल्टर क्यों नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं लिपिड, लिपिड क्यों नहीं फिल्टर हुआ, हुआ क्वेश्चन है सर, लिपिड क्यों फिल्टर नहीं हुआ। सर अगर लिपिड फिल्टर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि देखो सबसे पहले लिपिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिपिड का हमें देखने को मिलता है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या होता है कि जब हम रप्चर करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से क्या होता है लिपिड जो होता है वो बाहर आ जाता है, लिपिड का मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, ये जो होते हैं जो बाई लेयर जो होती है टूट जाती है ना, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, ये जो जो बाई लेयर होती है टूट जाती है। तो हम जैसे इनके ऊपर वाटर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नीचे वाला यानी इसके जो हेड होना हेड जो होता है यानी एक लिपिड के एक अणु का हेड जो होता है वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और ये जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक, हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही, जल स्नेही और जल भीरू, जल भीरू, जल से डरने वाला, फोबिया यानी कुछ होता है ना उसको हाइड्रोफोबिया हो गया यानी कि जिसे डर लगने लग जाता है, तो जल स्नेही स्नेह करेगा जो भीरू करेगा यानी जो उससे दूर रहना चाहता है। तो ये जो होता है ये तो ये क्या होता है जल भीरू होता है यानी इससे हाइड्रो या हाइड्रोफोबिक होता है यानी इसको क्या करना है अपने को जल से दूर रखना है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसमें वाटर आ जाता है, वाटर आने की वजह से क्या होता है कि जो इससे बहुत सारे प्रकार के बहुत सारे वहाँ पर होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड के, तो आपस में एक समूह बना लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या बना लेंगे, समूह बना लेंगे, इस प्रकार से बहुत सारे समूह बन जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक यूनिट बड़ी हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि अगर या तो मेरे पास बोला कि हाँ सर दो ही होती है, तो सर दो यूनिट हुए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, हाँ अब लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, बहुत सारे लाखों अमाउंट लाखों जो होती है ना इसकी लिपिड की, वो इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। तो समूह बनाने के कारण क्या होता है कि जो लिपिड होता है वो छन नहीं पाता, बस ये बात होनी चाहिए। तो धारित में क्या क्या मिलता है, अब लिखते हैं धारित को, धारित यानी ऊपर जो धारण कर लेता है ना वो, ऊपर धारित में क्या क्या मिलता है, ये होता है फिल्टर नहीं होने का कारण, ठीक है चलो। तो अब धारित में क्या क्या मिलता है, बिल्कुल धारित, धारित या हम इसको इंग्लिश में तो ठीक है धारित बोलेंगे, इंग्लिश में सुपर नेटेंट, हाँ सुपर नेटेंट, नेटेंट बोलते हैं, सुपर नेटेंट बोलते हैं ना, धारित सुपर नेटेंट, धारित। इसमें क्या क्या मिलेगा कि इसमें हमारे पास सर प्रोटीन मिलेगा, बिल्कुल क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा नंबर एक, नंबर दो क्या मिलेगा सर, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। नंबर तीन क्या मिलेगा कि सर प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, बिल्कुल सर कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट हम लिखते हैं पॉलीसेकेराइड मिलेंगे, पॉलीसेकेराइड मिलेगा, हाँ सर ठीक है बेटा। और लास्ट में लिपिड मिलेगा, बात यही होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है, बस खत्म।
$800 से कम होता है और धारित में मिलता है। तो सर पूछ ले कौन कौन सी धारित में मिलती है, यानी कौन कौन सी सुपर नाइट्रेट में मिलता है, कि सर लिपिड मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है और न्यूक्लिक एसिड मिलता है। कौन कौन चीज़ें फिल्टर होकर आ जाती है, कि सर कार्बनिक पदार्थ भी आ जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी आ जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन आता है, सर आयन आ जाते हैं, लवण आ जाते हैं। आयन में कौन कौन, अगर ऐसा पूछ ले फॉस्फेट आयन है, सल्फेट आयन पूछ ले, कि हाँ सर वो मिलते हैं यौगिक, तभी वो आ जाते हैं। उसके अलावा अगर पूछ ले लवण के हाँ मिलते हैं, कि कुछ तत्व के हाँ मिलते हैं, तत्व कहाँ मिलते हैं, कि सर जो फिल्टर हो जाते हैं उसके अंदर तत्व या एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन नहीं मिलते हैं, अगर एग्जाम्पल में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, कौन कौन नहीं मिलते, तो ये नहीं मिलते, कहाँ फिल्टर, जो फिल्टर हो जाता है उसके अंदर नहीं मिलते। अम्ल में घुलनशील नहीं होता, ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अम्ल में अघुलनशील, तो अम्ल में अघुलनशील ये है ना, और अम्ल में घुलनशील वो सभी जो मैंने बोला, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि अम्ल में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ क्या घुलनशील होते हैं, तो हाँ कौन से होते हैं, स्मॉल अमाउंट वाले होते हैं ना, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं, है ना, ठीक है। अब एक और चीज आती है, अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण। सर आपने विश्लेषण कर लिया, नहीं किया, ये होता है कार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण। अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण थोड़ा अलग प्रकार से होता है, ये तो मैंने सिर्फ तुमको बताया है कैसे होता है, ठीक है। अब होता है अकार्बनिक पदार्थ का, अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण, विश्लेषण अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण। देखो अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण करने से पहले मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, एक पत्ती लेनी है, हाँ एक प्लांट की आपने ली पत्ती, सिंपल लैंग्वेज में पत्ती ली, ठीक है सर पत्ती ली, क्या करें सर पत्ती का, इस पत्ती को जब आपने ली और आपने इसको किया वेट, वेट किया किसने, वेइंग मशीन से किया, पत्ती को तोला, वेइंग मशीन से किया और कुछ भी ग्राम में आया, 2 ग्राम 3 ग्राम सॉरी 10 ग्राम 15 ग्राम जो भी आया, ठीक है। तो ये जो आपने किया इसके अंदर क्या क्या मिलेगा सर, H2O मिलेगा और कार्बनिक पदार्थ, जिसका हमें अपने कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें करना है अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ करना, इसका नहीं करना है ना, हमें ये करना, लेकिन होंगे ना, बिल्कुल होंगे सर, वेट कर लिया, ये कर लिया, तो ये जो बाहर आया है, अब इस भार को कुछ नाम दे दिया, कि आपने किसी बच्चे को तोला या किसी भी चीज़ को तोला, तो हमने उसको एक भार का एक नाम दे दिया कि इतना इसका भार है, अभी इतना इसका भार है, 50-25 किलो 10 किलो अभी ये भार है, मैंने बोल दिया कि एक्स भार है, कुछ भी भार है, ठीक है, तो बोल दिया इसका नम भार है, क्या नम भार, इसको याद रखना, डायरेक्ट याद कर लो नमी, और नमी जिससे ज़्यादा मॉइस्चर थोड़ा बहुत वाटर होना चाहिए उससे याद आता है, तो नम भार। उसके बाद अगर हम करेंगे, क्या किया मैंने इस पत्ती को, क्या आपने इस पत्ती को लिया, ठीक है सर, इस पत्ती को सुखा दिया धूप में, धूप में सुखा दिया कुछ दिनों के लिए, धूप में सुखा दिया और क्या किया, जितना भी वाटर था उसका क्या हो गया, वेपराइजेशन हो गया, यानी वाष्प, उस वाष्प बन के उड़ गई, वाष्प बन गया, वो वाटर बन गया, है ना। तो क्या बचा कि सर इसके अंदर शुष्क, एक प्रकार से ये सूख गई, मुरझा गई, है ना, चल नहीं रहा, एक प्रकार से ये पत्ती अब क्या हो गई सर, मुरझा गई, ऐसी वैसी हो गई, मुरझा गई सर, ये तो मुरझा गई है ना, अब ये मुरझा गई बिल्कुल, सर वाटर तो हमने निकाल दिया, वाटर का जो हमें पता होता है, वाटर जो होता है वो 70 से 80% ऐसा बोल देते हैं, जनरली 70% याद रखो, 70% जो होता है वो वाटर होता है किसी भी सेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये बताओ कि जो पत्ते सूख गई है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसे जलाएंगे तो किसका दहन हो जाता है, दहन किसका कम्बेशन हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना मीथेन को जलाते हैं CO2 और जल बन जाता है, पता होगा आपको कि CO2 और जल बन जाता है जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो जनरली इसके अंदर क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, जल जाएगा, तो मैंने इसको जला दिया, ठीक है सर, आपने इसको जला दिया, इधर से इधर आ गया मैं ना, इसको आपने जला दिया, जला देने के बाद जो राख बची, राख, राख जो बची बची, उस राख में सिर्फ आपके क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ, ये हो गया आपका विश्लेषण अकार्बनिक पदार्थ। वहां पर भी हमने बताया है अकार्बनिक पदार्थ, लेकिन हमने उसमें आयंस के रूप में उस तरीके से बताया, यहाँ पर हम धातुओं के रूप में बता रहे हैं कि ये धातुओं मिल रही है, प्रकार से तो यही है कि हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस और इसमें अच्छे से कर सकते हैं बस, क्योंकि उसमें मिक्स हो जाएंगे, अब मिक्स नहीं करना है आपको, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ का मिक्सचर अगर होगा तो उसमें प्रॉब्लम होती है, अब यहाँ पर मिक्सचर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ पर उनके लिए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना उनके क्या टेस्ट होते हैं, जैसे कुछ टेस्ट मुझे याद नहीं, मैं बता दूंगा कौन से थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि किसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना खत्म, ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटीन
प्रोटीन को समझिए अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से सभी अमीनो एसिड के नाम, इसके अलावा सब कुछ देखिए। धन्यवाद।